छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव पहुंची, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला और कहा, पहली बार गोबर घोटाला सुना, इसलिए तय मानिए कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। सरहद चौक से रोड शो करते हुए कृषि उपज मंडी वसंतपुर में परिवर्तन यात्रा एक आम सभा में बदल गई। परिवर्तन यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना है, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि यहाँ कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार फिर आएगी। तो जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना है, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि यहाँ कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा से आ रही है, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ। लोगों का समर्थन, बहुत बड़ा समर्थन लोगों का, किसानों का, महिला भगिनों का, सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। चावल खरीदी को लेकर पूछे गए सवाल पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पूरा चावल तो केंद्र सरकार ही खरीद रही है, चाहे तो आप वेरीफाई करो, मोदी जी क्यों झूठ बोलेंगे। ये मोदी का वादा है कि जितना चावल यहाँ तैयार होगा उतना चावल केंद्र सरकार खरीदेगी। भैया, पूरा चावल तो केंद्र सरकार ही खरीद रहा है, वे चाहे तो आप वेरीफाई करो, यानी मोदी जी क्यों झूठ बोलेंगे। ये मोदी जी का वादा है, जितना चावल यहाँ तैयार होगा उतना चावल केंद्र सरकार खरीदेगी, नहीं तो ये कहाँ चावल बेचते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।